हेलो नमस्कार मेरे भाई लोग, यार कैसे आप सभी लोग होगे, तो सब यार बढ़िया होगे और यार मजे में होगे। तो भाई 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 मैं अगर कौन इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा शानदार और भाई धमाकेदार, क्योंकि यार आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ इस वाले इमोट से। बेसिकली मिलवाने के वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि ये वाला इमोट आप सभी लोगों को कैसे 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 मुफ्त में देखने को मिलने वाला है। तो भाई दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि यार ये वाली वीडियो देख के तुम लोग यार लास्ट में हुड़िम्बा करते हुए जाने वाले हो। तो गाइस चलो यार फाइनल वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं मारा तो क्या किया ही जिंदगी में भाई। सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, कमेंट मारो और शेयर मारो और ढिंचक ढिंचिम सब मारो। तो गाइस यार चलो फाइनल वीडियो को स्टार्ट करेंगे और यार आप सब लोगों को बता देने वाला हूँ ये वाला इमोट कैसे आप लोगों को फ्री मिलने वाला है। बहुत से मेरे वालों को यार पूछ रहे थे कि अक्षय भाई ये जो यार गिल्ड फ्लैग इमोट है ये कैसे हमें यार फ्री में यार पे मिलेगा। तो यार सारे डाउट्स के ऊपर बात करेंगे कैसे कैसे मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं यार फटाफट। बेसिकली देखो यार मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये वाला यार आप लोगों को जो गिल्ड फ्लैग इमोट है ये कब तक देखने को मिल सकता है। तो यार ये आप सभी लोगों को देखने मिल सकता है, मिलने वाला है अभी जो हाल फिलहाल पता चला OB31 के बाद। हाँ आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि यार अभी OB31 के पहले बहुत सारे इवेंट यार यहाँ पे पेंडिंग में है और यार अभी हाल फिलहाल कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यार OB31 के बाद आप सब लोगों को यहाँ पे गिल्ड वॉर का इवेंट देखने मिलेगा। साथ ही साथ यार यहाँ पे एक CS कप करके इवेंट होगा, वो भी यार आप लोगों को देखने मिलेगा CS कप 2.0 करके, ठीक है। तो ये दोनों इवेंट आप लोगों को देखने मिलेंगे CS का और भाई गिल्ड वॉर का, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को CS कप का किसी और दिन बता दूंगा, अभी हम लोग गिल्ड वॉर की बात करते हैं। तो गिल्ड वॉर में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यार यहाँ पे अपने गिल्ड के 8 बंदों को यार यहाँ पे एक टीम में रखना होगा, ठीक है। और बेसिकली यार वो जो 8 बंदे होंगे वो सामने एक जब आप लोग मैच को स्टार्ट करोगे तब यार सामने भी एक 8 बंदे आएंगे और यार तुम्हारी तरफ मतलब आपकी गिल्ड के भी यहाँ पे 8 बंदे होने वाले हैं। फिर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक यार मशीन दी जाएगी, उस मशीन को आप लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि यार उनको भी एक मशीन ऐसे सेम मिलेगी और आपको भी एक मशीन यहाँ पे सेम मिलेगी, ठीक है। तो यार आप लोगों को यार उनके मशीन के बॉक्सेस अपनी मशीन के पास लाने हैं और अपने मशीन के बॉक्सेस यहाँ पे बचा के रखने हैं। जो यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉक्सेस यार कुछ टाइमिंग के अंदर यार मतलब इधर से उधर करेगा, बेसिकली चोरी करेगा, तो यार वही यार यहाँ पे वो वाला मैच जीत जाने वाला है, ठीक है। ठीक है। और यार आप लोगों को इसमें गन भी मिलेगी, गन अलाउड होगी, फाइट वाइट सब अलाउड होगा, वो तो होगा। आप लोगों को बेसिकली यार रोक के रखना है, यही सीन होना है और ज्यादा कुछ यार यहाँ बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात मेन ये है कि भैया यहाँ भी यार ये जो आप लोग यार यहाँ पे मैच खेलोगे ये यार भाई खेले जाएंगे कुछ इस तरह के गिल्ड कार्ड से। अब आप लोग देख सकते हो ये वाले गिल्ड कार्ड रेड कलर के और ये आप लोगों को कुछ क्वांटिटी में मिलेंगे, बहुत ही कम क्वांटिटी में। एक एक गिल्ड कार्ड से आप लोग यार यहाँ पे एक मैच खेल सकोगे, ठीक है। और यार जब आप लोग यहाँ पे मैच खेलोगे तब आप लोगों को यहाँ पे स्कोर कलेक्ट करने होंगे। जब आप लोग यार यहाँ पे स्कोर कलेक्ट करोगे तब आप लोगों को स्कोर कलेक्ट करने में अभी यार कुछ रिवॉर्ड देखने मिलने वाले हैं। अब वो स्कोर कलेक्ट करने में आपको क्या क्या रिवॉर्ड मिलेंगे वो भी यार चलो मैं आपको चंगे वंगे तरीके से यहाँ पे बता देता हूँ। तो बेसिकली यार इसमें आप लोगों को यहाँ पे कुछ यार पॉइंट्स कलेक्ट करने और वो पॉइंट्स के आप लोगों को यहाँ पे बक्से मिलेंगे। और ये जो पॉइंट है ये एक बंदा कलेक्ट नहीं कर सकता ना बाबा ना, पूरे यूनिटी के साथ यार पूरे अपने गिल्ड वालों को यहाँ पे बुला के तुम लोगों को कलेक्ट करवाने होंगे। अगर यार पूरी गिल्ड वाले यहाँ पे मैंने नहीं करेंगे तो भैया ये पॉइंट कलेक्ट नहीं होंगे। तो यार यहाँ पे जो यार 50 पॉइंट्स होने वाले हैं उसमें आप लोगों को यार यहाँ पे मिलने वाले हैं कुछ गोल्ड और यार कुछ यार मिलने वाले गोल्ड रॉयल वाउचर और यार यहाँ पे डायमंड रॉयल वाउचर। और वीडियो लोग यार यहाँ पे जो आप लोगों को 100 पॉइंट कलेक्ट करने में जो बॉक्स मिलेगा उसके रिवॉर्ड यार यहाँ पे होने वाले एक कस्टम रूम कार्ड और यार वही गोल्ड और डायमंड रॉयल वाउचर, ठीक है। और यार इसी के साथ यार जो यहाँ पे 200 पॉइंट होने वाले हैं इस बॉक्स के उसके रिवॉर्ड होंगे यहाँ पे यार एक नेम चेंज कार्ड और कॉपी पेस्ट। और यार आप लोगों को जो लास्ट में देखने मिलेगा 300 पॉइंट का हुड़िम्बा वाला रिवॉर्ड वो होने वाला है यहाँ पे डायमंड और आप लोगों को यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब यार आप लोग यहाँ पे चौक गए होगे ना, मेरे को पता है चौक गए होगे, बट इतने भी उतावले मत हो आप लोग, तो यार यहाँ पे झिंगा लाला हू वाले गाने में नाचने लगोगे। बढ़िया था बट भाई लुंगी वुंगी यहाँ पे मत इतनी जल्दी बांधो, क्योंकि यार यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा डायमंड आपको नहीं मिलेंगे। जी आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, आप लोगों को डायमंड नहीं मिलेगा। अब आपको क्या भाई मूड खराब कर दिया, लेकिन आप लोगों को डायमंड की जगह मिलने वाला है ये गिल्ड फ्लैग इमोट। हाँ बिल्कुल यार सही सुना तुम लोगों ने, ये गिल्ड फ्लैग इमोट यहाँ पे डायमंड के बदले मिलेगा। डायमंड बाहर के सर्वर में मिला, हमारे सर्वर में नहीं मिलेगा। इसी वजह से तो कहते हो रहने वाले स्कैम करते थे इंडिया में, करते हैं और करते रहेंगे, ठीक है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं। और ये सिर्फ होता है बड़े बड़े यूट्यूबर्स और सब लोग जो बोलते नहीं है, ठीक है। और अगर यार भाई यार यहाँ पे कुछ एक्शन ले लो तो फिर तब आ जाते हैं सब लोग बोलने कि भाई ये मत करो, ये मत चलाओ, जस्टिस ना चलाओ, बाहर के सर्वर में ये है, बाहर के सर्वर के यूट्यूबर यूनिटी में रहते हैं, बाहर की ऑडियंस ऐसी है। अबे है तो है, हम लोगों को अपने सर्वर का देखना चाहिए ना, कैसे हम लोग अपने सर्वर को बता सकते हैं। अब दूसरों को देख के अगर हम लोग उसको चेंजेस ना लाए भाई ये वो है, अगर सोचो तुम लोग कहो कि फिर आज इस लेवल पे कोई
बड़ा आदमी नहीं बन सकता है भाई, उसके पास पैसा, उसके पास ये, तो भाई यार उस वो बातें करने से यार यहाँ पे आप लोग बड़े आदमी तो नहीं बन जाओगे। तो वही चीज है, बातें करने से हम लोग यहाँ पे कभी कुछ नहीं बदल सकते। अगर हम लोग कुछ करेंगे तो बहुत कुछ होगा, क्योंकि एक के करने से कुछ नहीं होगा, बट एक एक के करने से बहुत कुछ होने वाला है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी यार देखो यार यहाँ पे बहुत ज्यादा यार यहाँ पे मैंने बोल दिया, अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। बाकी यार हम लोग यार यहाँ पे बात करते हैं एक और चीज की, कि यहाँ पे ये जो यार एक ऊपर बक्सा दिख रहा, चमत्कारी बक्सा, इसमें बहुत से लोग पूछ रहे थे कि इसमें क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तो यार इसमें कुछ यार ज्यादा खास रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है वीडियो यार, इसमें आप लोगों को यार ये कुछ डायमंड रोल वाउचर या ये बदल भी सकता, कुछ भी हो सकता है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या ही मिलेगा। बट यार यहाँ पे कुछ हल्की फुल्की आइटम्स मिलेंगे, क्योंकि ये सब जब कंप्लीट कर लोगों वो अपने आप क्लेम हो जाएगा, ठीक है। तो यार ये आप लोगों को इधर रिवॉर्ड मिल जाएगा। अब मेरे भाई लोग बहुत से लोग पूछ रहे थे कि अच्छा भाई ये वाला ये जो जगह सीन आता है, ये सीन क्या है, ये कैसे मिलेगा? तो भाई ये होने वाला है इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स। अब यार इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स का मेरा मतलब है कि ये एक हर बंदे को मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग यार यहाँ पे मोड खेलोगे तो आप लोगों को ये 100% मिलना है। जैसे ये बक्से वाले दिखाई, ये पॉइंट होगा, जब यार आपकी गिल्ड पूरे पॉइंट कर लेगी तब आपको एक एक रिवॉर्ड मिलते चले जाएंगे, ठीक है। बट यार आप लोग अगर इस गेम को खेलोगे, सिर्फ गिल्ड वॉर को खेलोगे एक दो बार, तो आप लोगों को ये रिवॉर्ड मिलने वाले, ठीक है। अब यार यहाँ पे एक डाउट सबसे बड़ा ये कि ये जो गिल्ड फ्लैग वाला इमोट है, ये 30 डेज के लिए मिलेगा या परमानेंट मिलेगा? तो उसके बारे में अभी भी यार कुछ लीक्स नहीं है, कुछ नहीं पता सर। मेरे हिसाब से यार 30 डेज ही के लिए क्या पता गे रहने वाले थे, क्योंकि इंडियन सर्वर है, यहाँ पे इतना दयावन कैसे हो सकता है। देखने लायक होगा, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, जितना मेरे को पता था सारी इस वीडियो में बता दिया। होप करता हूँ इसके बाद आप लोगों को कोई भी वीडियो देखने की जरूरत अच्छी नहीं पड़ेगी। तो चलो मैं हम लोग आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ट्रेनिंग ट्रेनिंग, बाय बाय।